नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मेडिकल अस्पताल की स्लैब ढहने से दो लोगों की मौत, एक महिला गंभीर रूप से जख्मी। नागपुर मेडिकल अस्पताल के टीबी वार्ड परिसर स्थित चर्म रोग विभाग की स्लैब गुरुवार शाम ढहने से दो लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई है। ₹23 लाख का चूना लगाकर गायब हुए ट्रैवल्स एजेंट दंपति टूर पैकेज के नाम पर ठगी। बजाज नगर में मामला दर्ज। पर्यटन के लिए देश विदेश का टूर पैकेज बनाकर देने का झांसा देकर ट्रैवल्स एजेंट दंपति ने ₹23 लाख का चूना लगाया है। ठगी की सच्चाई सामने आने की भनक लगते ही आरोपी दंपति गायब हो गए हैं। बजाज नगर पुलिस ने दंपति और उनकी इंटरनेशनल टूर कंपनी अकबर के मैनेजर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। अकबर कंपनी के मैनेजर अनिल कोटे ने 11 पीड़ितों के पासपोर्ट गिरवी रख लिए थे। शिकायत की जांच के दौरान यह पता चलने से बजाज नगर पुलिस भी चकरा गई। उसने कंपनी के मैनेजर अनिल कोटे से संपर्क किया, उसे नियमों का हवाला देते हुए पासपोर्ट लौटाने को कहा। कूटे ने रुपए मिलने के बाद ही पासपोर्ट लौटाने की जानकारी दी। अवैध तरीके से पासपोर्ट गिरवी रखने और उसके बाद मुहजोरी किए जाने से पुलिस ने कूटे के खिलाफ मामला दर्ज करना ही उचित समझा। पासपोर्ट व्यक्तिगत दस्तावेज है, इसे गिरवी नहीं रखा जा सकता है। ट्रैवल्स एजेंसी द्वारा टूर पैकेज के नाम पर धोखाधड़ी के कई मामले सामने आए हैं, लेकिन इस तरह पासपोर्ट गिरवी रखे जाने का पहला वाकया है। एमडी तस्करी में मिला थाने का युवक। मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त थाने के एक युवक को गिरफ्तार करके ₹1 लाख की एमडी बरामद की गई है। यह कार्रवाई प्रताप नगर में की गई। आरोपी संदेश संजय मून गजानन नगर नेल्फो सोसाइटी है। गांजे के साथ मिला पहलवान इसी तरह शांति नगर थाने के तहत कुख्यात खलील शेख उर्फ पहलवान को 304 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। पहलवान काफी सालों से इतवारी स्टेशन के पास गांजे की तस्करी करता है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।